एक बुद्धिमान इंसान को ये पांच बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर फर्स्ट, कि उसकी दौलत खो चुकी है। नंबर सेकंड, उसे गुस्सा आ रहा है। नंबर थर्ड, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया है। नंबर फोर, लोगों ने जो उसे गालियां दी हैं। नंबर फाइव, वो किसी प्रकार से जो बेइज्जत हुआ है। एक समझदार व्यक्ति को इन चार चीजों में बिल्कुल ही नहीं शर्मानी चाहिए। नंबर फर्स्ट, व्यापार करने में। नंबर सेकंड, पैसों की लेन देन में। नंबर थर्ड, सीखने अर्थात पढ़ने लिखने में, दूसरों से कुछ ज्ञान अर्जन करने में, और नंबर फोर, खाना खाने में। एक घमंडी इंसान को झूठी इज्जत देकर खुश किया जा सकता है। एक पागल इंसान को उसके पागलपन की तारीफ करके खुश किया जा सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ सच बोलकर खुश किया जा सकता है। जो सुख और शांति स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज से मिलती है, वैसा एक्सपीरियंस एक लालची इंसान को कभी नहीं मिल सकता जो हर वक्त पैसों के पीछे भागता है। वो इंसान बहुत अनलकी है जिसकी पत्नी की मृत्यु उसकी मृत्यु से पहले हो जाती है। वो भी अनलकी पर्सन है जो अपना सारा पैसा प्रॉपर्टी रिलेटिव्स को दे देता है। और सबसे अनलकी वो इंसान है जिसे खाने के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक बार कोई काम शुरू कर देते हो तो फिर हार से मत डरो, उसे बीच में मत छोड़ो। जो लोग शांत चित्त और पूरे मनोभाव से काम करते हैं उन्हें सक्सेस मिल ही जाता है, और वही लोग अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं।